नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम मैटर uh, की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं उसकी अपियरेंस और फील के बेसिस पे तो आपकी एक्टिविटी नंबर टू भी दी हुई है पेज थर्टी सेवन पे तो उसमें उन्होंने uh, पूछा अपियरेंस और फील के, के बेसिस पे आप कैसे चीजों को अलग अलग वो कर सकते हो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो आपने देखा होगा कुछ चीजें रफ होती हैं कुछ स्मूथ होती हैं कभी हॉट है तो कोल्ड है तो या आपके कुछ चीजें जो हैं लस्ट्रस है या डल है तो हम सबसे पहले ले रहे हैं स्मूथ एंड रफ वी आर गोइंग टू टेक स्मूथ एंड रफ तो सबसे पहले अगर हम देखें डोर मैट एंड पेपर ब्लैंकेट टॉवल Wood, ये सब चीजें जो है दे आर रफ इन द सर्फेस उनको टच करते हैं तो दे फील रफ ना नेक्स्ट ग्लास सिल्क क्लॉथ ये सारी चीजें जो है इनको टच करने पे हमें स्मूथ फीलिंग आती है तो दीज आर स्मूथ इन दे इन टचिंग ऐसे ही शाइनी या डल शाइनी या डल मीन्स शाइनी मीन्स लस्ट्रस शाइनी मीन्स लस्ट्रस तो दे आर डल इन देयर अपियरेंस तो आपको इनके एटलीस्ट तो दो एग्जाम्पल तो लर्न करने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव एग्जाम्पल ऑफ लस्ट्रस थिंग्स या डल थिंग्स या ये लस्ट्रस है या नहीं है तो ये वाले एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज में से कितनी लाइट जो है वो पास हो सकती है उसके बेसिस पे हम चीजों को क्लासीफाई करते हैं जिस चीज में से जैसे कि आप देख रहे हो ये सबसे पहली जो चीज उन्होंने दिखाई है दैट इज वुडन ब्लॉक वुडन ब्लॉक के अंदर से लाइट आप पास नहीं कर सकते उसके आर पार नहीं जा सकती तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इच्छ डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि वुड uh, है आपका या आपके कार्डबोर्ड है आपका ब्लैक बोर्ड था स्कूल में जो आप देखते थे दे आर ऑल ओपेक ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं uh, जो चीजें कुछ लाइट को पास होने देती हैं और कुछ को वो रोक देती हैं दैट थिंग्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स दैट और पार्शली ट्रांसलूसेंट ऐसे जैसे कि आपके कॉपी पे चढ़ाते हैं आप कवर थिक वाला प्लास्टिक जो होता है जिसमें से आपको पिक्चर पूरी क्लियर नहीं नजर आती इस तरह की चीजें जो है उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं इसमें से देख रहे हैं आप लाइट थोड़ी सी निकल पा रही है नेक्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अब ये जैसे कि आपका ग्लास ग्लास के अंदर से पूरी लाइट जो है आर पार हो रही है ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इनके एग्जांपल मैंने पहली स्लाइड पर भी दिया हैं और अभी दोबारा रिपीट कर रही हूं आपके लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के वुड हाँ तो वुड है जैसे मेटल शीट्स है कलर्ड प्लास्टिक है ये सब आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ये आपको लर्न भी करना है इनकी डेफिनेशन मैंने पीछे दी हुई है वो भी लर्न करनी है एग्जाम में आती हैं तो आपके अभी आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को आपके एग्जाम में आने वाला है ये चैप्टर नेक्स्ट इज योर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट इसमें आपको जैसे मिल्की ग्लास होता है जिसपे हल्का लाइट पॉलिश होती है या बटर पेपर है आपका या प्लास्टिक शीट है ये सब जो हैं, है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग आपने देखा होगा जब हम वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर कुछ चीजें डालते हैं आप ये कुछ चीजें कलेक्ट कर लो और इनको करके जरूर देखना उसमें कॉर्क है आइज है पेंसिल स्केल पेपर या पेबल्स ये इनमें से ये चीजें आप देखोगे ये पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करती हैं ये ये अगर आप थर्माकोल बॉल डाल दो तो वो क्या करेगी पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी क्योंकि वो पानी से लाइट है और जो चीज पानी से हेवियर होगी जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो चीजें जो है नीचे सिंक करेंगी जैसे कि आपके पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर और सैंड है डाल दो, लेमन पूरा का पूरा डाल दो या दालें हैं आपकी पल्सिस हैं उनको डाल दोगे तो दे विल सिंक इन वाटर। नेक्स्ट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिफ्यूजन इसमें हम डिफ्यूजन क्या होता है

डिफ्यूजन uh, क्या है अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन का मतलब है जब दो पार्टिकल्स आपस में जो है uh, mix हो जाए उनको हम इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन जैसे कि हवा में आपके अगरबत्ती की फ्यूम्स मिक्स uh, हो जाए या पानी के अंदर आपके इंक मिक्स हो जाए या आपके पानी के अंदर आपके अः पोस्टर कलर्स आप मिक्स करते हो तो इस तरह से एक केमिकल्स भी हम मिक्स करके देखेंगे अभी कुछ एक्टिविटीज करके देखेंगे उनके लिए प्रिपेयर रहिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर लिखेंगे आप तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है आप अगरबत्ती लीजिए अगरबत्ती जलाइए आप थोड़ी देर में देखोगे उसका जो धुआं है वो हवा के साथ बड़े अच्छे से मिक्स हो गया और बहुत दूर तक उसकी स्मेल आपको देख सुन सुनने को मिल रही है तो गैसेस जो हैं वो फटाफट डिफ्यूज होती है एक दूसरे में यानी हवा और हवा भी एक गैस है और फ्यूम्स जो है वो भी एक गैस है तो दोनों आपस में बड़े अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और उसमें आपको कोई एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ रहे यानी कि डिफ्यूजन किसमें फास्ट है गैसेस में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किस गैस दो गैसेस की डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें फास्ट है गैसेस 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 विद तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लेने दो लिक्विड्स अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करें तो डिफ्यूजन कैसे होगी इस एग्जाम्पल में हमने लिया है पानी के अंदर हम इंक इंक्रॉप डाल के देख रहे हैं जैसे ही हमने इंक ड्रॉप डाली तो हमने देखा बिल्कुल स्पीड से जो है अः इंक जो है वो पानी में मिक्स हो गई लेकिन उतनी स्पीड नहीं थी जितनी जल्दी दो गैसेस मिक्स हुई थी यानी कि दो लिक्विड्स की स्पीड थोड़ी कम हो गई लिक्विड्स के केस में स्पीड कम हो गई डिफ्यूशन की